बाद मारे तुमको पिटी पिटी कर रहे। हाँ अभी तो तुम सोया हुआ था, और जब हम तुमको नीचे पटक के, जब हम तुमको नीचे सुला के और तब हम उठने वाले थे तो तुम उठ गया। हट बोल रहा था बेटा जी, मम्मा को हट बोल रहा था। नहीं किच्छी करना है, उम्मा करना है उम्मा। पूछो ना जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। जैसे जल्दी जल्दी मैं नीचे गई थी, वैसे ही मैं जल्दी जल्दी से ऊपर आ चुकी हूँ, और साथ में बीटू को भी ले आया मैंने। वहाँ पे केक कट रहा था और ही मैं इसे गोद में लूँ और ये कटना चाहे, और ऊपर से ये इयररिंग। वैसे मैं घर पे डेली इयररिंग नहीं पहनती, और यहाँ मेरा खाना आ चुका है। सिर्फ दाल चावल। बीटा जी शॉर्ट नीचे करो, नीचे करो शॉर्ट। बॉडी दिखा रहा है, बॉडी दिखा रहे हो तुम। नीचे करो शॉर्ट, जल्दी नीचे करो, अच्छे बच्चे की तरह नीचे करो, नीचे करो। हैं हैं और दिखा रहा, और दिखा रहा। बदमाशी इतना बदमाशी बेटा, बदमाशी करोगे आप? हाँ हाँ मिर्जान बच्चा, बदमाशी करेगा बेटा, बीटा बदमाशी करेगा। ये देखो, एवरीवन गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और बीबी अभी यहाँ पे सोया हुआ है और ये खेल रहा है बेटू, बेटू इससे खेल रहा है। और उसके पापा दूसरे रूम में सोए हुए हैं, उन्हें 3 दिन से फीवर होया हुआ है, और बहुत ज़्यादा फीवर है इसलिए वो बीबी के साथ ही हैं अभी तक। 3 दिन से उन्होंने इसको गोद में नहीं लिया है। और हमारे घर में फंक्शन है और हम लोग बीमार हैं। बेटू बेटू की भी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, उसको भी गले में थोड़ी सी कफ कफ जैसा कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको भी मेडिसिन दिया है। और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, और इनको इनको तो 3 दिन से फीवर है बहुत ज़्यादा। रात को 102 था, मॉर्निंग में भी था, मेडिसिन खा रहे हैं तो उतर जा रहे फीवर। बोलो मेरा शोना, बोलो मेरी जान, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा दुलारू, मेरा शोना बच्चा। अब बात करने का मन करता है, देखिए मैं बात कर रही हूँ तो हंस रहा है, नहीं तो रोने लग रहा है। इसे भी अब बहुत बात करने का मन करता है, इसे मन करता है कि मैं हमेशा बात करते रहूँ। तो रिक्वेस्ट है कि आप भी इस मौसम में जितना हो सके बच के रहें, क्योंकि गर्मी होती है फिर ठंड होती है, इसे सर्द गर्म भी हो जाता है और इसकी वजह से भी फीवर हो जाता है। और अभी तो कोरोना का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत सबको बीमारियाँ फैल रही हैं, तो जितना सेफ रहे उतना ही अच्छा होगा। आपसे बात करेंगे हम, मम्मा आपसे ही बात करेगी और किसी से बात नहीं करेगी, नहीं करेगी और किसी से बात। मारे तुमको पिटी पिटी कर रहे। हाँ अभी तो तुम सोया हुआ था, और जब हम तुमको नीचे पटक के, जब हम तुमको नीचे सुला के और तब हम उठने वाले थे तो तुम उठ गया। पिटी कर ऐसे ऐसे पिटी कर, इससे पिटी कर, हाँ करे तुमको पिटी पिटी जी। सो जाइए आप, अच्छा पिटू कर रहे हैं आपको। क्या मम्मा को बोला है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मम्मा को क्या बोल रहा था? हाँ हट बोल रहा था, मम्मा को हट बोल रहा था बेटा जी, मम्मा को हट बोल रहा था, मम्मा को हट बोल रहा था। हाँ करो मम्मा को किच्छी करो, खाना नहीं है किच्छी करना है, उम्मा करना है उम्मा, उम्मा करना है उम्मा, उम्मा उम्मा उम्मा। ओ बीटा जी अरे ओ छोना जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। और आज मैंने येलो सिंदूर लगाया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा रेड लगाती हूँ, क्योंकि आज छठ पर्व का सुबह वाला अर्घ था, जो जो कि दो छठ होते हैं, एक कार्तिक मास में, कार्तिक महीने में, और एक चैत महीने में। तो ये चैत वाला छठ था और आज सुबह वाला अर्घ था, तो प्रसाद आया हुआ था तो मैंने सिंदूर लगाया। वैसे हमारी दादी माँ नहीं था, मैं नहीं करती। पहले मैं
रूम में बैठ बैठ के बोर हो जाती थी। अब मेरा बेटा मुझे बोर नहीं होने देता, मुझे सोने भी नहीं देता, मुझे बैठने भी नहीं देता, है ना बेटा, है ना बेटा। हमेशा मुझे बिजी करके रखता है कि मम्मा कहीं बोर ना हो जाए, है ना बेटा। रेडी हो चुकी हूँ और मैं लेट हूँ, सभी जा चुके हैं, बाबू को भी तैयार कर दिया था मैंने, बाबू भी मम्मी के साथ नीचे जा चुका है और गया है। और जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि नीचे फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और सभी नीचे हैं और मैं अभी ऊपर हूँ और मैं जल्दी जल्दी से तैयार हुई हूँ। मेरा हमेशा का यही रहता है कि कोई भी फंक्शन हो और लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे मैं तैयार होती हूँ और कैसे भी हो जाती हूँ। वैसे ही मैंने जल्दी जल्दी ढूँढा है सारी और जल्दी जल्दी से पहन के तैयार हो गई हूँ। और कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, वैसे मुझे पता ही है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। और तो मैं जाती हूँ जल्दी से क्योंकि सब वेट कर रहे हैं, मिलते हैं। ओ बेटी, मैं सोना बेटी, मैं सोने बेटी को देखे, मैं सोना बीटू को। और जैसे जल्दी जल्दी मैं नीचे गई थी वैसे ही मैं जल्दी जल्दी से ऊपर आ चुकी हूँ और साथ में बीटू को भी ले आया मैंने। वहाँ पे केक कट रहा था और वो फोम का स्प्रे उड़ा रहे थे और फिर वो उसको क्या कहते हैं, वो जो उसको कहते हैं क्या, और सभी वहाँ पे वो प्लास्टिक के, प्लास्टिक का क्या होता है यार, नाम नहीं याद आ रहा, तो सभी वहाँ पे उड़ा रहे थे। और फिर इसके आँखों में, फिर इसके आईज में या इसके ऊपर वो पन्नी जैसा पड़ जाता और उसकी आवाज़ से वो जब उड़ाते हैं उसको, वो जब उड़ाते हैं तो आवाज़ भी करती है, जिसकी वजह से बाबू डर रहा था। तो दो, एक दो तो उड़ा तो ये ठीक ही था, वो प्लास्टिक का उड़ा रहे थे सभी और ये काफ़ी डर रहा था बाबू और स्प्रे भी सभी कर रहे थे तो आवाज़ आ रही थी बहुत और ज़्यादा शोर भी हो रही थी और बहुत लोग थे, इसकी वजह से ये देख के बहुत घबरा गया और फिर रोना स्टार्ट कर दिया इसने। तो मैं इसे लेके नीचे नीचे बोल रही हूँ, नीचे केक कट रहा था हॉल में, फिर मैं इसे लेके ऊपर आ गई हूँ रूम में। बेटा जी, ओ बेटा जी, नीचे मन नहीं लग रहा था आपको, नीचे आपको मन नहीं लग रहा था, नीचे डर लग रहा था, सभी बैलून फोड़ रहे थे इसीलिए, सभी बैलून फोड़ रहे थे बेटा। आई है बाकी ये दोनों सेम, ये दोनों कपड़ा मैच है और ये अलग से हैं। बेटा जी उल्टी कर दी है अपने कपड़े पे, है ना। इसे एक बंदी सेट था, शॉर्ट था, बंदी था और नीचे पैंट था, मैंने वो इसे पहनाने का ट्राई किया था पर बीटू को हमारे नए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं तो मैं शॉर्ट जैसे ही पहना रही थी, बटन्स लगा रही थी, वैसे ही इसने उल्टी कर दी तो फिर मैंने उसे चेंज कर दिया और उसके सिर्फ बंडी मैंने पहना दी और शॉर्ट और पैंट रहने दिया। और तो ये सिर्फ बंडी पहनता है बेटा, तो मैं चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि ये हीरा मोती मेरे बच्चे को परेशान कर सकता है, हीरा मोती, कहीं मैं इसे गोद में लूँ और ये करना चाहे। और ऊपर से ये इयररिंग, वैसे मैं घर पे डेली इयररिंग नहीं पहनती हूँ, मैं बिल्कुल पहनती ही नहीं हूँ, कोई भी छोटा इयररिंग भी नहीं यूज़ करती हूँ और मैंने इतना बड़ा इयररिंग पहन रखा है तो मेरा कान लग रहा है कि अब लटक जाएगा तो मैं पहले इसे खोलती हूँ। अब मैं सिखा के थक गई कि बेटा माँ बोल दे, माँ बोल दे, पर उतने दिनों से इसने एक बार भी माँ नहीं बोला और अभी क्या सीखा हुआ है इसने, फू फू फू। तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ चेंज करने क्योंकि साड़ी में बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। और यहाँ मेरा खाना आ चुका है सिर्फ दाल चावल, अभी तक खराब नहीं हुआ, नहीं इतना दाल चावल है। ये रहा मेरा खाना, दाल चावल मिठाई ऐसा, ये अच्छा, उधर भी है इतना सारा, उधर भी है, देख लो इधर, दाल चावल मिठाई खाएगा बिट्टू, और पूरी है, पापड़ है, ये क्या है, मम्मी चटनी है, टमाटर, हाँ टमाटर, हाँ टमाटर की चटनी है, गुलू रायता है, बैगन फ्राई है और उसमें मिक्स वेज है। जलेबी कैसे पपी छोड़ सकते है, जलेबी तो उनको इतना अच्छा लगता है, ओए बड़े बड़ा अच्छा आ रहा है पिक्चर, हाँ सच में, सच हाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, देखो दादी कितनी सुंदर आ रही है, हाँ तुम अच्छे नहीं आ रहे हो, तुम्हारा ये बाल अच्छा नहीं आ रहा है ये क्या पेड़ है, पेड़ है, खजूर का पेड़ है, हाँ